नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर साह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 30 प्लस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता के रखा है, जहां से मैं खुद भी अर्निंग करता हूँ। और प्लस अगर कोई भी इस रिक्वायरमेंट में है कि ऑनलाइन पढ़ाकर या ऑनलाइन अर्निंग करके वर्क फ्रॉम होम से घर पे बैठे बैठे ही थोड़ी सी अर्निंग हो जाए, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस में बनाता हूँ। साथ में लर्निंग्स के भी वीडियो बनाता हूँ और अर्निंग्स के भी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको वो 30 प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर सारी चीजें मेंशन की गई है। बहरहाल आज का जो वीडियो है वो वीडियो स्पेसिफिकली मैंने यूट्यूब अर्निंग्स पे बनाया है, क्योंकि YouTube का अभी एक नया अपडेट आया है कि आप अपनी बैंक की डिटेल Google AdSense में तभी डाल सकते हैं जब आपका $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, आज के दिन ही मेरा $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ है। तो बैंक की डिटेल कहां पर डालनी है, क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी, कौन सी डिटेल हमें बैंक से ऑलरेडी लेके रखनी है, कब गूगल एडसेंस मिलता है, और लास्ट में कब पेमेंट हमारे बैंक में आ जाएगी, ये सभी क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी ऑलरेडी बैलेंस इस महीने के 12 तारीख के बाद बन चुकी है $131.37। तो ये डॉलर मेरे 100 से ज्यादा है, इट मींस मैं अब अपनी पेमेंट मेथड यहां पर डाल सकता हूं। तो पेमेंट मेथड डालने के लिए आपके पास $100 जब हो जाएंगे तो ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, क्योंकि अभी तक आपने अपनी पेमेंट मेथड डाली नहीं थी कि आपको पेमेंट कहां पर मिलना चाहिए, तो अभी होल्ड पे है। एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द पेमेंट, एक्शन एक चाहिए इस पेमेंट को रिलीज करने के लिए। तो क्या एक्शन करना है, उसके लिए आपको एक्शन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको पेमेंट मेथड पे, व्यू पेमेंट्स पे लेके जाएगा। यहां पर एक लिखा है हाउ यू गेट पेड, इस जगह पर जाके आपको बैंक ट्रांसफर की डिटेल ऑलरेडी ऐड करनी है। मैंने तो ऑलरेडी ऐड करके रखी है, बट आपको यहां पर ऐड करनी है। अब इससे पहले कि हम यहां पर देखें कि क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए, उससे पहले हम देखते हैं या समझते हैं कि ये गूगल एडसेंस हमें पेमेंट कब देता है। जब हमारे वीडियोस पे एड आने लग जाती है तब। एड कब आती है, जब हम 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर का बेंचमार्क कंप्लीट कर लेते हैं एक बरस के अंदर अंदर तब। उसके बाद क्या होता है, अगर आप गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं आफ्टर 4000 वॉच आवर एंड 1000 सब्सक्राइबर विद इन 365 डेज, उसके बाद अगर आप गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां पर अपने जो प्रूफ है वो डाल के एक्टिवेट करते हैं, तो आपके पास एक गूगल एडसेंस की पिन आती है घर पे, वो पिन डाल के ये एक्टिवेट करवाना होता है। तो मैंने ये एक्टिवेट करवा के रखा था। अब हम देखते हैं कि मैनेज पेमेंट में जाके कौन कौन सी डिटेल्स मांगी जाती है बैंक में से, या फिर बैंक में से हमें कौन सी डिटेल निकालनी है। तो ऐड पेमेंट मेथड पे जाएंगे हम। वहां पर देखिए बेनिफिशियरी आईडी, एक बैंक का आईडी होता है कुछ भी, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, जो भी आपकी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक है तो वो बैंक का नाम लिखना है, बैंक नेम ऑन बैंक अकाउंट आपका नाम लिखना है जो बैंक के अकाउंट के ऊपर है। मेरा नाम जैसे कि जयवीर शाह है तो जयवीर शाह लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, आईएफएससी कोड लिखनी है, स्विफ्ट बीआईसी कोड, ये आपको बैंक से मांग लेना है कि बैंक से आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से ही निकाल कर रखनी है कि स्विफ्ट कोड क्या है। स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जहां से आप बाहर की कंट्री से, जो आउटसाइड इंडिया है, वहां से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। अकाउंट नंबर आपको लिखना है और री टाइप करना है आपको अकाउंट नंबर अपना।
इंटरमीडिएट बैंक, अगर ये बैंक कोई इंटरमीडिएट बैंक से रुपये ले रहा है तो वो बैंक यूएस में होना जरूरी है, जनरली ऐसा होता नहीं है, ये सारी बैंक्स डायरेक्टली ही पेमेंट लेती है अपने आप अपने बैंक अकाउंट में, उसके कोई इंटरमीडिएट बैंक्स होते नहीं है। फिर भी ये आपको पूछ लेना है ब्रांच मैनेजर से कि सर आपकी कोई इंटरमीडिएट बैंक है यूएस से जहां से आप पैसे लेते हैं, एफएफसी और एफबीओ कोई कोड है आपका तो वो भी हमें दे दीजिए, और इसको सेट एज प्राइमरी मेथड पे क्लिक कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी। मगर ये कब होगा? एज पर द न्यू अपडेट ऑफ द गूगल एडसेंस ये $100 के बाद ही एक्टिवेट होगा, तो मेरा भी आज ही मैंने ये चीज सबमिट की है। अब हम देखते हैं कि कब ये पेमेंट हमारे पास आती है, यानी मंथ के कौन से दिन पे ये रिफ्लेक्ट होती है और कौन से दिन पे ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए मैंने गूगल पे सर्च किया पेमेंट टाइमलाइंस फॉर एडसेंस, यही मैंने सर्च किया था और ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया। यहां पर लिखा हुआ है कि महीने की 21st से लेके 26th तक ये जो अर्निंग है वो मेरे पास आ जाएगी। अगर 21st हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब मैंने जो कंक्लूजन निकाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास कल ये रिफ्लेक्ट हो गया था कि मेरा $131 का अमाउंट आ रहा है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि 11 तारीख के बाद, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए 12 या 13 तारीख को, हर महीने के 12 या 13th को आपके पर्टिकुलर मंथ में, लास्ट मंथ में, आज 11th मंथ चल रहा है तो 10th मंथ में आपकी कितनी अर्निंग हुई है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी। यानी 31st of October को आपकी कितनी पेमेंट थी वो सारी पेमेंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। कब? 12th of November को, 12th या 13th ऑफ नवंबर को, हॉलीडे अगर जिस दिन पे आता है तो वर्किंग डेज गिन के चलिएगा। तो बस इसी तरीके से आपको पेमेंट मिलेगी कब? 21st से लेके 26th तक जो भी वर्किंग डेज होंगे उसके बीच में, हॉलीडेज को काउंट मत कीजिएगा, उस दिन को आपको पेमेंट बैंक में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप अर्निंग्स कर सकते हो और यूट्यूब पे भी आप अर्निंग्स कर सकते हो, जिसका प्रूफ मैंने आज आपको दिखा दिया है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।